15-15 लाख रुपया तो आया नहीं, ऊपर से दूसरे देशों के बैंक के इस देश से और रुपया पहुंच गया, उनका स्विस बैंक का खाता और बढ़ गया। कहा था किसानों की आमदनी दूना करने का। हम कहते हैं, पूछते हैं, हम सारे लोग किसान के बेटे हैं, किसान परिवार से हम सारे लोग आते हैं, कहां किसान की आमदनी दूना हुई? चौधरी चरण सिंह जो हमारे नेता रहे हैं, जिस जमाने में आदरणी राजबड़ी पांडे जी, आदरणी हमारे जैसे लोग, जो बिजभूषण तिवारी जी जैसे लोग, जब हम लोगों ने राजनीति में शुरू किया, चौधरी चरण सिंह इस प्रदेश के विरोधी दल के नेता हुआ करते थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे नेता इस प्रदेश के, कहा करते थे जब तक खेत पर से लागत कम नहीं होगी, किसान के खेतों से लागत कम नहीं होगी, तब तक किसान की आमदनी दूना होने का काम नहीं होगा। खेत की लागत में खेत खाद आता है, पानी आता है, कल्टीवेटर आता है, रोटावेटर आता है, पंपिंग सेट आता है, बिजली आता है, पानी, जब तक उस पर से लागत कम नहीं होगी, तब तक किसान की आमदनी दूना नहीं होगी। आपने खाद में 25 रुपया कम किया और उसमें से 5 किलो निकाल लिया। आप जब घोषित किए थे उस समय दूना करने का, तब उस समय आपके डाई खाद की कीमत 1040 रुपया और आज पहुंच गया 1.5 गुना, 1475 रुपया, 1500 रुपया। आपने धान की कीमत घोषित की 1770 रुपया, आपका कहीं क्रय केंद्र नहीं, औने पौने दाम में किसान बेचने को मजबूर हुआ, कोई 1200 कोई 1300 में, 400-500 फी क्विंटल किसान का घाटा हुआ। गन्ने की कीमत में आपने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से 2004 में चले जाना समितियों पर, रिकॉर्ड उठा के देख लेना किस तरह से आदरणीय मुलायम सिंह के जमाने से 15 रुपए से लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने 45 रुपए तक, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 75 रुपए क्विंटल 5 साल में गन्ने की कीमत। आप क्या किए? आपने तो एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। आपका धान का कहीं क्रय केंद्र नहीं, औने पौने धाम में धान बेचने को मजबूर हुआ और किसान चला जाए आज ट्रैक्टर खरीदने, कल्टीवेटर खरीदने, रोटावेटर खरीदने, तो आप 18% उस पर जीएसटी लोगे, 18% उस पर आप जीएसटी लेने का काम करोगे, कहां से किसान की आमदनी दूना हो? आपने 14 का बजट पेश किया, आपने 15 का बजट पेश किया, 16 का बजट पेश किया, तब आपको किसान याद नहीं आया। आप 17 का बजट पेश किए, तब किसान नहीं याद आया। 18 का बजट पेश किया, तब किसान नहीं याद आया। जब 4 महीने का बजट केवल तनख्वाह देने के लिए, खर्च करके करने के लिए अनुपूरक बजट आपने पेश किया, तब आपने 6000 रुपया अनुदान देने की बात कही। किसी किसी के खाते में 2000 रुपया आया होगा। अभी बोल रहे थे तो एक किसान यूनियन के नेता ने कहा, खड़े होके बीच में बैरागल में बोल रहे थे हम, तो किसान यूनियन के एक नेता बीच में खड़े हो गए कि जितना अनुदान दिया 2000 रुपया, उससे ज्यादा तो सांड चर गए। तो इस नाते मैं कह रहा हूं किसान भाइयों, हम लोग नौजवान साथी हैं हमारे, 14 का जब चुनाव था तो जो इलाहाबाद तैयारी कर रहे थे, जो लखनऊ तैयारी कर रहे थे, वो दिल्ली तैयारी कर रहे थे, वो भी अपने माता पिता से कह रहे थे कि आपकी आमदनी दूना हो जाएगी, हमको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन वही नौजवान जब रोजगार 5 वर्ष नहीं पाए, और उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई सबका सब निरस्त हो गया, सब नकल के आरोप में निरस्त हो गया, एक भी परीक्षा सुचारू रूप से इस प्रदेश में
हो नहीं पाई। तो आज वो नौजवान भी वहीं से इलाहाबाद से लखनऊ में जहां तैयारी कर रहे हैं वहां से निराश, और किसान की दुर्दशा। हम भी किसान परिवार से आते हैं, हम भी खेती करते हैं। मेरे मित्रों, हमने देखा है किसान की दुर्दशा को, जिसके पांव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर फराई।